तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं लिस्ट बॉक्स के बारे में कि आखिर लिस्ट बॉक्स को हम कैसे यूज करते हैं और उसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो लिस्ट बॉक्स मतलब कि कॉम्बो बॉक्स में क्या होता था कि ड्रॉप डाउन होता था, लेकिन लिस्ट बॉक्स में पूरा का पूरा लिस्ट आता है। तो यूजर फॉर्म में लिस्ट बॉक्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे उसकी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, ये हम आपके साथ आगे कुछ क्लासेस में हम यही डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसे कि एक यूजर फॉर्म लिया और यहां से मैंने यहाँ लिस्ट बॉक्स लेके डिजाइन कर दिया। मान लीजिए मैं नेम लिस्ट यहाँ दे देता हूँ, ऊपर हेडिंग नेम दे देता हूँ। अगर आपके पास कुछ सिलेक्टेड नाम है जो कि फिक्स है, 2-4-5, कोई बड़ा लिस्ट नहीं है, डायनेमिक नहीं है, बार बार चेंज नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको डायरेक्ट इसमें ऐड कर सकते हो किससे, और यूजर फॉर्म पे आप डबल क्लिक करें और इसी में फॉर्म इनिशियलाइज, इसका इवेंट क्या होगा, इवेंट होगा फॉर्म की इनिशियलाइज। इससे जाएंगे और लिखेंगे me.listbox1.addIdder। देखिए एक नाम हो तब करेंगे, लेकिन आपके पास नाम अगर 2-4-5 नाम है तो उस केस में हम this कमांड लेंगे कि me.listbox1.addIdder। यहां जैसे कि नाम यदि मैंने पूजा .addIdder, नाम यदि मैंने नीरज .addIdder, नाम यदि मैंने कविता .addIdder, नाम दिया मैंने मोहन। उसके बाद मैं इसको नीचे लिखूंगा एंड दिस, और जैसे मैं इसको प्ले करूंगा आप देखेंगे यहां पे लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे मैंने लिख दिया नाम कि मैं मेरे पास नाम जो है वो किसी एक्सेल फाइल से है, ठीक है, नाम जो है वो किसी एक्सेल फाइल से है और मुझे उसको करना है। तो कैसे होगा, तो जैसे कि यहां पे लिखते हैं नीरज और आप कुछ नाम दे देते हैं, उदय मोहन ओम सुनीत हरीश रवि कविता। तो इसमें दो चीजें कि अगर नाम जो आप दे रहे हैं वो नाम अगर फिक्स है, नाम जो हम देना चाहते हैं नाम अगर फिक्स है तो क्या करें, नाम अगर फिक्स है तो उसके लिए सिंपल तरीका है। तो यहां क्या है, सीट वन से ए वन से लेके 19 है ना, ए वन से लेके 19 का, तो इस पे हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट बॉक्स को
और नीचे और ड्रैग करेंगे। तो यहां पे आएगा रो सोर्स। तो रो सोर्स में जैसे एक्सेल का होता है ना, सी वन और यहां पे ए वन से लेके ए नाइन हमने कर दिया, लेकिन एक फिक्स नहीं होगा, एक कल के डेट में बढ़ सकता है या घट सकता है, इसको इसको हटाना पड़ेगा। एक बार में एक ही दे सकते हैं आप। तो ये आपका डायरेक्ट एक्सेल से लिंक हो जाएगा। लेकिन कल के डेट में हो सकता है कि इंक्रीज डिक्रीज हो, तो उसके दो मेथड है। अगर मैं एक्सेल की मेथड को लेकर चलू, जो हमारा एडवांस एक्सेल है उसकी मेथड को लेकर चलू, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि हमारे पास नेम मेथड होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑफसेट रेफरेंस ये रहा रो जीरो कॉलम जीरो एंड हाइट में मैं यहाँ पे काउंट ए लगा देता हूं एंड विड्थ हमारा हो जाएगा वन। और इसी को हम जो है कॉपी करते हैं और कॉपी करके चले जाते हैं इस पे डिफाइन नेम पे, फॉर्मूला के अंदर डिफाइन नेम। और मैं यहाँ पे मान लीजिए कि डेटा नाम से लेता हूं और इस पे इसको पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने से पहले याद रखिएगा इसको फ्रीज करना ना भूले एंड ओके आ गया। अब जैसे कि हमने सीट वन स्लैश ए जो लिया था यहां पे रो सोर्स में हमने दिया है ना, इसके जगह पे हम डेटा भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, तो जैसे इसको प्ले करेंगे अभी ये डायनेमिक हो गया कि कल के डेट में अगर यहां पे मैं कोई भी नाम ऐड करता हूं, जैसे मैं यहां पे ऐड करता हूं मान लीजिए कि ओम, यहां पे मान लीजिए उदित कर देता हूं, उसके बाद हम लिस्ट इसको प्ले करते हैं, देखिए उदित ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। एक तो तरीका है कि डायनेमिक नेम रेंज बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका अगर मैं बोलूं, मान लीजिए मैं एक और लिस्ट बॉक्स इसी के बगल में खोलता हूं, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि फॉर्म स्लाइड पे आएंगे, हाँ यहां पे लूप लगेगा कि फोर वन टू फोर आई I इक्वल टू चले वन टू कहां तक डायनेमिक करना है तो रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफ से एक्सेलेस अप तक ही होगा, ऑफसेट की जरूरत नहीं है डॉट रो। और फिर हो जाएगा कि बिट बिट में लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखेंगे कि मी डॉट लिस्ट बॉक्स टू डॉट एड आइटम और यहां हो जाएगा कि सेल आई कॉमा वन डॉट वैल्यू और फिर नेक्स्ट आई। इससे क्या हुआ, इससे हमारा डायनेमिक हो जाएगा, ये भी हमारा डायनेमिक हो। तो डायनेमिक करने का दो तरीका हमने आपको बताया। पहला तरीका आपने देखा कि किस तरीके से हम
पहला तरीका था कि हमने इसको कर दिया एक्सेल से प्रूव किया, दूसरा तरीका इसके थ्रू किया। अब हम बात करते हैं कि आखिर में अगर किसी को सिलेक्ट किया है तो उसका एक हमने वैल्यू यूजर फॉर्म, इसके यूजर फॉर्म में लिस्ट बॉक्स के अंदर हमने वैल्यू को डालना सीखा कि लिस्ट बॉक्स के अंदर हम वैल्यू को कैसे डालेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि लिस्ट बॉक्स के वैल्यू को बाहर कैसे लाएंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि लिस्ट बॉक्स से क्लिक करूँ तो इसमें उसका मैसेज आए, डबल क्लिक करूँ तो मैसेज आए, मतलब उसका मतलब कि जो भी वैल्यू हमने सिलेक्ट किया है उसके मैसेज बॉक्स में आए। तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ लिखते हैं MSG बॉक्स और यहाँ लिखेंगे कि me.listbox1.value। सिंपल वैल्यू करोगे तो सिलेक्टेड आइटम यहाँ पे आपको डबल क्लिक कीजिए मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो आउट करने के लिए बस लिस्ट बॉक्स डॉट वैल्यू करना है, ये आपका आउट हो जाएगा। तो लिस्ट बॉक्स के अंदर में हम डायनेमिक की कैसे वैल्यू डालते हैं ये समझ में आ गया आपको। तो लिस्ट बॉक्स के अंदर हम मैं आपको बताया कि हम किस तरह से लिस्ट बॉक्स की, आज की इस टॉपिक में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से हम लिस्ट बॉक्स में हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन करेंगे। हम नॉर्मल लिखना हो तो नॉर्मल कैसे लिखेंगे, किसी पर्टिकुलर इससे लेना हो सेल्स वाले सेल्स में किसी पर्टिकुलर रेंज से लेना हो, बिग फॉर्म एक्सेल आपका क्या बोलते हैं एक्सेल के कंसेप्ट के थ्रू और वीवीए कंसेप्ट के थ्रू, ये हमने सीखा। अब अगला टॉपिक मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी लिस्ट बॉक्स में हमें जो लिखना है कि सिर्फ लिख लेना है यूनिक वैल्यू। क्या है कि मेरे पास हो सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि मंथ का कॉलम है और मुझे यहाँ पे कई मंथ में कई सारे महीने हो सकते हैं लेकिन रिपीटेड है। मैं चाहता हूं कि इसमें से सिर्फ सिर्फ क्या हो, यूनिक वैल्यू ही हमारे इस लिस्ट बॉक्स वन पे आए। चलिए इसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं, यानी स्लाइड में जाएंगे और सबसे पहले तो लूप लगेगा कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू कहां चले रेंज कौन सा कॉलम है जी जी 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 नहीं ऑफसेट डॉट रो हो जाएगा, माफ कीजिएगा ऑफसेट डॉट रो इक्वल दो इक्वल जीरो और यहाँ पे नेक्स्ट। उसके बाद डुप्लीकेसी को रोकने के लिए हमारे पास एक डेटा टाइप होता है कि दिन M as a new collection. New collection क्या है, एक तरह से collection data type होता है। इसकी खासियत ये होती है कि एक बार मतलब कि duplicate value को नहीं लेता है, मतलब कि जो value more than one time repeat हुई है उसको नहीं लेगा। ठीक है, तो इसमें करेंगे m डॉट एड आइटम क्या है, तो आइटम हो जाएगा हमारा सेल्स i डॉट यहाँ पे सिंपल देते रेंज के साथ, रेंज a के साथ हमने कॉनकटा नेट कर दिया i को डॉट वैल्यू। लेकिन चलो जी होगा, हाँ सही बोला आपने, प्रॉब्लम है लेकिन क्या होता है कि इसमें एक तरह का डेटा रेंज चाहिए होता है, तो इसलिए आप ये देखिएगा कि इसमें जो है की देना होता है। तो की में मैंने दे दिया str string और string के अंदर में हमने
इसको डाल दिए, ये जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू एम पे स्टोर हो गए। जैसे एम को तो डुप्लीकेट वैल्यू मिलेगा वो एरर शो करेगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे ऑन एरर रिज्यूम मैच। उसके बाद ये तो हो गया, हमने एम में ऐड कर लिया, एम से बाहर भी तो निकालना है लिस्ट बॉक्स के अंदर। तो यहां लिखेंगे कि फॉर ईच आइटम इन एम, और लिखेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट एड कौन सा होती है आइटम, और यहां पे नेक्स्ट आइटम। अब मैं इसको अगर प्ले करूं, ब्लाइंड तो होंगे M as a new collection for I want to range 65, M dot add range G के साथ हमने कंबाइन किया, M पे स्टोर हुआ for each item in M, this works one dot add item equal to item next item, ठीक है। एक मिनट में इसको एफेक्ट करता हूँ, मतलब कि स्टेप इनको। सर वो लूप अंदर ही लगा रहा था क्या? सर वो जो फॉर ईच आइटम इन एम लिखा है ना, वो वाले लूप को अंदर ही लगा दे तो हो जाता था यार। फोर इच क्या बोले, यहाँ पे गड़बड़ है यार, इसको अंदर ले लो ना लूप के। किसके लूप के अंदर ले लो? ऊपर वाले लूप के अंदर से? नहीं नहीं नहीं, इसको वाले लूप के अंदर नहीं होगा, पहले लोड होगा ये जाना पहले लोड होगा और उसके बाद ये बाहर जो है एक एक करके जितना, क्योंकि इसमें तो डुप्लीकेसी भी है ना बहुत सारे सर। बट वो एम जो है वो एम तो बार बार चेंज हो रहा है ना, वो लास्ट वैल्यू लेगा ना एम की, एम में तो एक ही वैल्यू स्टोर हो गया सर। हाँ एम में एक ही बार स्टोर करेगा, जितना एम में स्टोर होगा उतना आइटम बाहर निकालेगा। हाँ तो एम में एक ही बार स्टोर हुआ तो लास्ट में वो एक ही बार चल रहा है लूप। नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा, एम पे एक बार स्टोर होगा तो कि एम पे फैसिलिटी है, लेकिन आर की फैसिलिटी थोड़ी है, वो तो हो सकता है कि आइटम ओके। कुछ और गलती कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार नो अच्छा हाँ मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे सी एस सी आर लिखना चाहिए, चेंज एस सी आर, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे एस सी आर कर दिया था जिस कारण से करवा थे, मुझे यहाँ पे सी एस सी आर करना चाहिए था, चेंज एस सी आर। एक गड़बड़ थी सर अंकित जी, तो इसको आप लोग बैठ के इसको एक बार बनाइए, फाइल में आप लोगों को भेज देता हूँ, और इस फाइल को आप लोग बैठ के आराम से इस पे वर्क कीजिए। यूजर फॉर्म के लिस्ट बॉक्स के बारे में है,
और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि लिस्ट बॉक्स के ऊपर हम एक से ज्यादा कॉलम को कैसे हैंडल करें। अभी तक मैंने बताया आपको कि लिस्ट बॉक्स के अंदर में हम एक ही कॉलम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि लिस्ट बॉक्स में हम दो या तीन या पूरा का पूरा टेबल को कैसे लोड करेंगे।